हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हो? जब भी आप बिजली का टिपिंग मतलब पाइप फिटिंग करें सीलिंग में, तो आप किस तरह करते हैं? अगर आप फोर सीलिंग करवाते हैं तो इस तरह से फोर सीलिंग में आप इस तरह से पाइप सेटिंग कर दें, ताकि उससे ये होगा कि हमारा पाइप का लोड जो है वो नहीं पड़ेगा और इस तरह से लॉक रहेगा, तो पाइप को कभी दिक्कत भी नहीं आएगा आपको वायरिंग करने में। अगर आप अदरवाइज़ फोर सीलिंग नहीं करते हैं तो आपको इस तरह की वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और वो आपके छत में ही आ जाएगा अगर आप फोर सीलिंग नहीं करते हैं। तो फोर सीलिंग करते हैं तभी इस तरह से बिजली का वर्क करें, आप टाइपिंग करें हर जगह पर पाइप का, और इस तरह से आप वर्क करें कि ताकि आपको फोर सीलिंग में लोड ना आए और आपका सीलिंग में इस तरह से चिपका रहे। जैसे इसे देखिए, बिल्कुल परफेक्ट तरीका से चिपकाया गया है, और इस तरह से आप करवाते हैं फोर सीलिंग करवाने के पहले, तो आपका काम भी बहुत अच्छा रहता है और हैवी रहता है, और आपको कभी कोई दिक्कत भी नहीं आता वायरिंग करने में। तो आप इसी प्रकार से करवाएं अगर फोर सीलिंग करवाते हैं तब, फोर सीलिंग नहीं करवाते हैं तो आपको इस तरह से वर्क करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और आपका जो पाइप का फिटिंग है वो आपका छत में आ जाता है, तो आप इनडायरेक्टली प्लस्तर करवा सकते हैं। अगर आप पीओपी करवाते हैं फोर सीलिंग, तो आप इस तरह से पाइप का टाइपिंग करें और हर जगह करवाएं, या जब आपके अपने घर में करवाते हैं तो भी, अगर कहीं काम करवाए तो भी, बहुत अच्छा तरीका है, बहुत बेस्ट तरीका है, और बहुत ज़्यादा हेल्दी भी रहता है, मजबूती भी रहता है, और बहुत ज़्यादा सक्सेस भी है इस तरह का डिज़ाइन। मिलते हैं हम किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए दें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दें। थैंक यू सो मच।